तो हेलो भाई, सरकारी यूट्यूब चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। मैं हुशैलेश। और दोस्तों, फाइनली एसएससी जीडी की कुछ अच्छी खुशखबरी हमें देखने को मिली है फिजिकल के बारे में। तो एसएससी जीडी ने तो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। मैं पहले आपको बता देता हूँ, ना कि शेयर भी अपने किए अपनी वेबसाइट पर, लेकिन मुझे जो नोटिफिकेशन मिली है ऑफलाइन मिली है, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह वगैरह में कहीं ना कहीं मुझे मिली है। मेरे कुछ फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे सेंड की, और मैं इस नोटिफिकेशन मुझे 2-3 दिन से मेरे पास पड़ी है, लेकिन मैं इससे वीडियो पब्लिश नहीं बना रहा था और ना ही आपको वीडियो पहुंचा रहा था, क्योंकि मुझे खुद ही इस नोटिफिकेशन पर भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन यूट्यूब पर मैंने ऐसी वीडियोस देखी जिनमें दावा किया जा रहा था कि ये नोटिफिकेशन से फिजिकल स्टार्ट हो जाएगा वगैरह, मतलब आपके आपको गुमराह करने की साजिश हो रही थी। इसलिए मैं ये वीडियो आपके लिए लाया हूँ। तो आज के वीडियो में मैं आपको नोटिफिकेशन बताऊंगा जिसमें 13/8/2019 को फिजिकल शुरू होगा, ऐसा लिखा है, और ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी सच में जारी हुआ है। तो सीआरपीएफ ने जारी किया है वो नोटिफिकेशन, और वो किस डेट को आया है वो भी सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ बहुत ही अच्छी बातें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में जो आप पूरा जो चार्ट देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन जारी किया है सीआरपीएफ ने। तो बिल्कुल आप ऊपर डेट देख सकते हो कि 26/7/2019 को ये आई है, और यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। ये सब वो सेंटर है जहाँ पे ये जो फिजिकल वगैरह के जो मेन ऑफिस है वो सब यहाँ के वो रीज़न है, और ये सब वो रीज़न है देख सकते हो आप। यानी SMP या SSWR WB NES वगैरह सब रीज़न है। और देखिए, कलेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द कंडक्शन PST PET फॉर द पोस्ट ऑफ CTG, मतलब SSC GD कॉन्स्टेबल ट्रेडमैन 2019 का, जब कुछ जो कुछ सिलेक्ट कैंडिडेट्स है जिन्होंने रिटर्न क्वालिफाई किया है उनका सब रिकॉर्ड मांगा गया है, और उनका रिकॉर्ड जो है मांगने के बाद उनको 13/8/2019 से उनका जो कोई फिजिकल वगैरह कुछ है वो सब कुछ कंडक्ट करने वाले हैं। शॉर्ट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट गिव इन ब्लॉग वगैरह कुछ लिखा है, जो कि एडमिट कार्ड वगैरह है और उसकी नोटिफिकेशन दी गई है। तो कितने लोगों का फिजिकल होगा, किस सेंटर पे होगा, कितने सेंटर वालों को कितने कैंडिडेट्स दिए गए हैं वहाँ पर, ये सब कुछ डाटा है। ओके, और किस डेट तक उनको सब डाटा कलेक्ट करना है, और फिर 13 तारीख से उनका फिजिकल शुरू हो जाएगा, ऐसा इस नोटिफिकेशन में कहा गया है। तो अगर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है और मेरे दिमाग से अगर बोलूँ तो आपका जो फिजिकल है वो 13 तारीख को नहीं होगा, क्योंकि 13 तारीख को अगर फिजिकल शुरू हो जाएगा तो ये जो CRPF CSAF SSB ITBP NIA स्टाफ सिलेक्शन वगैरह सब लोग भी 15 अगस्त के दिन सब कुछ, तो 15 अगस्त के दिन तो सब लोग परेड वगैरह में जो परेड होती है सब ध्वजारोहण वगैरह सब कुछ करते हैं, इसमें बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं, उस दिन तो नहीं होगा। तो देखिए, मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से बोलूँ तो आपका जो एडमिट कार्ड है वो अगस्त के 5, 6, 7, 8, 9 तारीख तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, लेकिन आपका जो फिजिकल है ना दोस्तों वो 15 अगस्त के बाद ही स्टार्ट होगा। ऐसी जो नोटिफिकेशन वगैरह, तो ऐसी नोटिफिकेशन जो जारी हो रही है इनके बहकावे में बिल्कुल मत आइए। ओके, मैं आपको 100% वीडियो पब्लिश कर दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपके एडमिट कार्ड आ गए हैं, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाके आप डाउनलोड कर लेना, तभी जब मैं उस वीडियो को पब्लिश करूँ तब। तो मैं वो वीडियो जब भी पब्लिश करूँगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी, अगर आपने मेरे चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया रखा है। अगर नहीं किया है तो अभी कर लो, मैं वो वीडियो आपको बहुत ही जल्द ला के दूंगा। तो जैसे मुझे नोटिफिकेशन मिलती है SSC की तरफ से या CRPF की तरफ से, मैं आपको वीडियो 100% दूंगा, आप इतना मुझ पर भरोसा 100% कर सकते हो। तो ऐसे एरे गेरे न तो खेरे नोटिफिकेशन पर बिल्कुल भरोसा मत करिए, यहाँ पे सब कुछ मतलब झूठ है या सच है वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा था कि ये जो YouTube पर जो फेक वगैरह वीडियोस पब्लिश होती है ना, उनसे मैं आपको बचा रहा था, ये मेरा काम है, क्योंकि आपने मुझ पर भरोसा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मेरे वीडियोज़ देखते हो, लाइक करते हो, चैनल सब्सक्राइब करते हो, कमेंट्स करते हो, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ, हम एक फ्रेंड से एक फैमिली है। तो मैं आपको 100% अच्छी जानकारी दूंगा, मैं फ्यूचर में कभी आपको ऐसी गलत नहीं न्यूज़ कभी नहीं दूंगा। अगर सपोज करो कि अगर मैंने दिन में एक भी वीडियो पब्लिश नहीं की ना, तो उस दिन समझ जाना कि भाई बिजी है या तब वीडियो बनाने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। तो मैं चाहूँ ना तो वीडियो पब्लिश नहीं करूँगा, लेकिन गलत न्यूज़ आप तक कभी ज़िंदगी में नहीं पहुँचाऊँगा, इतना भरोसा आप मुझ पर 100% कर सकते हो। तो आई होप मैंने जो आज जानकारी दी आपको अच्छी लगी हो। आपका एडमिट कार्ड 5, 6, 7, 8, 9, 10 तारीख आपका एडमिट कार्ड मुझे लगता है आ जाएगा। ओके, 100% आएगा ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन आ सकता है। और जो आपका जो फिजिकल है वो 15 अगस्त के बाद ही 100% होगा। तो आई होप मैंने जो आज आपको कुछ मेरे हिसाब से जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करना, और इस नोटिफिकेशन पर भरोसा बिल्कुल मत करना। तो मिलते हैं फ्रेश वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।